तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे यार, जिनके हाथ नहीं होते। जीरो लेवल बेसिक मैथ की पाँचवीं क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं कछाट की गणित, यानी कि 8th ग्रेड की मैथ। ध्यान से देखना, पूरा देखना। छोटी क्लास बड़ी बात, क्लास छोटी होगी लेकिन मैटर ज़्यादा शामिल होंगे, टॉपिक ज़्यादा शामिल होंगे। रेशनल नंबर, जो कि आप लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, परिमेय संख्या, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये परिमेय लिखने का जो तरीका है वो दूसरी चीज़ के लिए लिखा जाता है, वो परिमेय अलग है। ये होता है परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या देखेंगे आज, शून्य यानी कि जीरो, ये शून्य देखा है ना, शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में, और इनके प्रगुण क्या होते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। प्रगुण का मतलब होता है इनके बारे में हालचाल समझना, इनके क्या गुण होते हैं। जैसे इंसान का गुण होता है एक दूसरे से जलन रखना, होती है ना अक्सर, ऐसा मत करना। लेकिन दूसरा नंबर, मित्रों का गुण क्या होता है कि अगर मित्र को छोटी सी भी सफलता मिल जाए तो पार्टी करना, है ना। तो आगे देखना, परिमेय संख्या की सबसे बड़ा जो गुण होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या आप लोग जोड़ोगे, ठीक ना, मतलब समझना अभी पूरा हम जो कहना चाहते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या जोड़ोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ये अलग चीज़ है जो लिखा हूँ, अब बात जो गड़बड़ा गई तो मैं उसको सिद्ध कर दिया ना, बिल्कुल सही। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। जैसे इंसान से हमेशा इंसान के ही बच्चे पैदा होते हैं, कभी घोड़ा बिल्ली कुत्ता नहीं होता है ना, तो उसी तरह से ये होता है। दूसरा बात, किसी भी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ें या फिर शून्य में परिमेय संख्या को जोड़ें, ये परिमेय अलग चीज़ है भाई, इसको लिखा था हमने ही लेकिन दूसरे उद्देश्य से, तो मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जीरो में सेवन जोड़ोगे तो सेवन आएगा, ठीक ना, सेवन में जीरो जोड़ोगे तभी सेवन आएगा। टू अपान थ्री में जीरो जोड़ोगे तब भी टू अपान थ्री आएगा, और अगर इसी को ऐसे कर लो टू अपान थ्री बाद में जोड़ो तब भी क्या आएगा, टू अपान थ्री ही आएगा। ये जीरो का एक बहुत बड़ा गुण प्रगुण है, बात समझ गए ना। हाँ तो समझना, आगे समझते चलना, बस देखते चलना। ये तो एक गुण हो गया। एक बात और, पूरी क्लास देखना तभी समझ में आएगा, छोड़ के मत भागना बीच में। और हाँ, जो आपने प्रगुण देख लिया ना, इसी गुण के कारण शून्य को यानी कि जीरो को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव भी कहा जाता है। इसको रट लेना, दिमाग में बसा लेना, जीरो को परिमेय संख्याओं का योग का तत्समक अवयव मीन्स होता है आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहा जाता है। अभी आगे हम आपसे सवाल करेंगे इसी पर, तो याद रखना, इसको भूलना मत, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा प्रगुण देखना, गुणा वाले में आपने देख लिया ना, भाग वाला, जोड़ने वाला भी देख लिया। किसी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर को अगर जीरो से गुणा करेंगे यानी कि शून्य से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आता है, शून्य ही आता है। एक बात आपको और बता दें, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, अगर आप जीरो से गुणा करोगे किसी भी संख्या में, चाहे दशमलव लगा है, नहीं लगा है, घात लगी है, कैसे भी है, वो किसी भी स्थिति में है, हमेशा सदैव क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कोई भी संख्या गुणा करके देख लो, अगर जीरो उसमें होगा तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मत सोचना कि कोई अगर बड़ा सा नंबर दिया गया तो जीरो नहीं आएगा। कितना भी बड़ा कुछ भी दिया है, अगर कहीं भी उसमें जीरो छिपा है तो ये जान लो कि आपका जो है वो सब क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस बात को याद रखना, ये भाग का चिन्ह है, ये माइनस का है, और यहाँ पर अगर गुणा जीरो है तो क्या आएगा मालूम है आपको, ये जीरो आएगा क्या ना, ऐसी स्थिति में जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर प्लस लगा है ना, इसके इधर का सेफ रहेगा, इसके इधर का सेफ रहेगा। हाँ, उधर अगर प्लस नहीं लगा है तो उधर का जीरो हो सकता है, उधर का जीरो हो सकता है। तो ये जान लीजिएगा, ये हम आपको जो बताने वाले थे इसमें सटीक नहीं बैठा, मैं आपको सटीक सटीक बता दूँ। हाँ, ऐसा देखना, इधर जैसे अगर कहीं गुणा ही हो रहा है, ये देखो जीरो है ना, ये ऐसी स्थिति में इसका उत्तर आएगा जीरो। देखो है तो बहुत बड़ा लेकिन बीच में एक जीरो है ना, कहते हैं ना एक कोई भी अगर फल सड़ जाता है टोकरी में तो टोकरी का पूरा फल सड़ जाता है, ऐसी मान्यता नहीं रियल में भी है ना, तो इसमें ये समझ लो एक प्रकार से सड़ा हुआ ही है, बट ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि जीरो के बिना मैथ अधूरी है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, फिलहाल इसका गुण था, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, अगर कहीं भी जीरो है गुणा के मामले में तो सब जीरो हो जाएगा, बस
पूरा क्लास देखना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा, आएगा मज़ा बहुत आएगा। देखिए मित्रों, अब हम लोग एक का गुणा का प्रगुण देखेंगे। ध्यान से देखना, एक का जो प्रगुण है वो क्या कहता है। सबसे पहले गुणा का प्रगुण, एक की एक खासियत है, एक फीचर है, यानी कि वन, अगर इसको किसी भी संख्या से गुणा करोगे, चाहे वो परिमेय है या अपरिमेय है, कुछ भी है, तो हमेशा वही संख्या आती है। जैसे अगर आप दीवार में हाथ मारोगे तो आपके हाथ में ही दर्द होगा, दीवार में नहीं दर्द होगा। अगर आपका फ्रेंड दीवार में सिर पटकेगा तो क्या होगा, उसके सिर में दर्द होगा बट दीवार में नहीं होगा। उसी तरह से मतलब समझ गए होंगे कि अगर वन का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो हमेशा वही संख्या आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 172 का वन में करोगे 172 आएगा, 17/3 का मल्टीपल वन से करोगे 17/3 आएगा, और कोई भी नंबर ले लो आप, दुनिया का कोई भी नंबर अगर वन से मल्टीपल करोगे तो हमेशा वही नंबर आएगा, चाहे वो अंडर रूट में है, चाहे वो परिमेय है या अपरिमेय है, कुछ भी है, जैसे भी है, जिस स्थिति में है, ये उसी स्थिति में और वही आएगा। ये इसकी एक खासियत होती है। पूरा क्लास देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भागना मत। देखिए मित्रों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है ये, अपरिमेय संख्या यानी कि रेफरल नंबर का योगात्मक प्रतिलोम। ध्यान देना, अगर आप पूरा क्लास देख लेते हो कक्षा 8 की ना, तो एक बात याद रखना, कंपटीशन की जो भी परीक्षाएं होती हैं, कक्षा 10 के बाहर का कोई भी मैथ नहीं आता है, बशर्ते उसमें अंतर ये होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन केवल टिक करना होता है और वो बेस यहीं से शुरू होता है। इसलिए इन क्लासों को पूरा देखना, ऊपर नंबर दिया गया, अगर कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी संख्या को चिन्ह बदल करके लिख दो, मतलब निगेटिव बना दो, बस वही उसका योगात्मक प्रतिलोम है। बात समझ में आई ना? किसी परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक यानी कि निगेटिव या विपरीत भी कहा जाता है। ये परिमेय जो सिद्ध किया जाता है वो अलग चीज़ है, यहाँ पर आप रेफनल लिख लीजिए, ठीक है, रेफनल नंबर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आई? जैसे 7 का अगर योगात्मक प्रतिलोम बोलें, एडिटिव इनवर्स बोलें, तो क्या होगा, -7 हो जाएगा। अगर -2/3 का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे तो +2/3 हो जाएगा, और अगर +2/3 का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान देना, भिन्नों में ये केवल और केवल चिन्ह बदलेगा बस। अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तब आप पलट दोगे भिन्नों को, चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन तो मतलब समझना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, बात समझ में आ गई ना? कोई भी संख्या उसका चिन्ह बदल दो बस। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, जी हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को परिमेय संख्या यानी कि रेफरल नंबर का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रिसिप्रोकल यानी उसका उल्टा भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/3, बस सिंपल सी बात है, सीधा सा समझ लो देसी भाषा में, सिर को नीचे कर दो, पैर को ऊपर कर दो, उल्टा कर दो, बस यही होता है। जैसे 3/7 का 7/3 हो गया, और अगर मैंने कहा कि चलो भाई बताओ 5/2, तो 5/2 का हो जाएगा 2/5। अच्छा एक बात कमेंट करके बताना, आवाज़ जो है पहले से कुछ कम हो गई क्या, क्योंकि माइक को हमने यहाँ पे लगा लिया, पहले हाथ में लिया था, वैसे तो कम नहीं होनी चाहिए, है ना, बात समझ गए ना? तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। आपको बता दें कि पेमेंट वाली 70% क्लास अब आप फ्री में पा सकते हैं, जिसके लिए लोग पेमेंट करते हैं। आप PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लें फेसबुक पर, वहाँ से आप फ्री में देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं PVR स्टडी के फेसबुक पेज पर। इतना ही नहीं तो आपके कमेंट्स का जवाब भी वहाँ पे तुरंत मिलेगा, बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो अभी फेसबुक ओपन करिएगा, जहाँ पर फ्रेंड सर्च करते हैं वहाँ PVR स्टडी लेकर सर्च करना, और लोगो लगा हुआ PVR स्टडी का आपको मिलेगा पेज, उसको लाइक करना और फॉलो कर लेना। उसके बाद फिर वहाँ से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक ना? और हाँ, अगर आप अभी इसे फेसबुक पर ही देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएँ, PVR स्टडी सर्च करें और PVR स्टडी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक फंडा और क्लियर कर लीजिए, वो क्या है कि माइनस में अगर कोई भी संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो आपको केवल उसको पलट देना होगा, बस माइनस का चिन्ह नहीं हटेगा, ठीक ना?
-5/7 का -7/5 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? वैसे रियल में आपको दिख नहीं रहा है, बट इसके नीचे 1 है, ये 1 मानते हैं, ठीक। तो ये पलट जाएगी, यानी कि 1/5 जो है वो 9 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह ना भूलना, चिन्ह माइनस में था तो माइनस में ही रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लो इसे, ठीक ना। तो आज का जो क्लास है वो आपका यहीं पर ख़त्म हो चुका है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। अन्य स्टडी मटेरियल एवं फ्री की अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए विजिट करें pvrstudy.com। और हाँ, अगर आप एडिशनल हेल्प चाहते हैं, कोई क्लास आपको नहीं मिल रही, कोई क्लास आपको प्रॉब्लम कर रही, तो आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं 10:00 से 6:00 PM। और pvrstudy को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक करें, और चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर बजा लें, घंटी को बजा लें। तो चलते हैं, फिर से घंटी बजाएंगे अगली क्लास में। आप लोग ज़रूर मिलिएगा कक्षा 10 की NCERT मैथ के साथ। उसके बीच में एक दो क्लास आपकी और भी चलेंगी, उनको भी देखते रहना। तो अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हाँ, इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास तो ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो कर देना, और दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे कि हर कोई पढ़ सके। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलते हैं फिर, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।